हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं सितंबर मंथ आप लोग के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर जो पहले तीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी इसको दिखा रहे हैं कि देखो महीने की शुरुआत में ही ना एक स्पिरिचुअल रीयूनियन दिख रहा है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे तो हील होते हुए दिख रहे हैं, कनेक्शन रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है वृषभ राशि वालों। आप लोगों के लिए जो आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू थे, थिंकिंग पैटर्न्स थे, मिल नहीं रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहा था, अब वो होता हुआ दिख रहा है, हीलिंग आती हुई उसमें देखी जाएगी। मिड वीक के आते आते थोड़ा सा आपको बोर्डम महसूस हो सकता है, इनफैक्ट मैं कहूँगी हफ्ते के महीने के 5-6 दिन बाद में ही आपको थोड़ा सा बीच के समय में बोर्डम, इरिटेशन, या आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो चल रही है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये महसूस हो सकता है। पर इट्स ओके, आई थिंक ये सिर्फ टेम्पररी फेज़ है, तो उसके बाद में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नाउ अब उसके बाद में बड़ी ख़ास कार्ड्स आए हैं वृषभ राशि वालों, बड़े ध्यान से सुनना। अब सितंबर मंथ में यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कोई आपके बड़े सपने, बड़ी मैनिफेस्टेशन जो आप बहुत टाइम से अचीव करना चाहते हो, वो गोल, वो आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। मे बी आप एब्रॉड जाना चाहते हो, मे बी आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, मे बी यू नो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्टार्टअप, जो भी। एक तो मेरे को ट्रैवल के भी बड़े अच्छे योग दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, बट जो भी कोई परफॉर्मेंस है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ा टास्क है, गुड लक आपके साथ है वृषभ राशि वालों। मैं क्यों इतना क्लियरली मुझे जो कार्ड्स पे मैसेजेस दिख रहे, दैट इज़ यहाँ पर देखो द अवेयरनेस के कार्ड्स हैं, द चैरियट के कार्ड्स हैं, द डेस्टिनी, ये तीनों कार्ड्स एक मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। ये कह रहे हैं कि अब जितना भी बुरा समय था अब बीता, अब आपके लिए पोटेंशियल बहुत अच्छा दिख रहा है वृषभ राशि वालों। इस समय को, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली व्हाट आई फील कि आप वेस्ट वैसे भी नहीं होने दोगे, लेकिन स्टिल एक एज अ रिमाइंडर मैं आपको कहूँगी कि अपनी एनर्जीज को बहुत अलाइन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशंस अच्छी रखिए, काम आपके हिसाब से बनता हुआ देखा जाएगा। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से टॉरस राशि वाले कहेंगे कि नो हमारे इतने कोई बड़े इस महीने में गोल्स नहीं है, तो जो भी आपके छोटे मोटे गोल्स हों, जो भी आपके टारगेट्स हों, वो सब आप अचीव करते हुए देखते हो, तो मिड मंथ बहुत पावरफुल रहेगा। इनफैक्ट 80% मुझे पूरा महीना ही आप लोगों के लिए काम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी पावरफुल एंड अच्छा दिखाई दे रहा है, हेल्पफुल रहेगा ज़रूर। अब जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर एक कार्ड था जो बीच के 2-3 दिन आप लोग को थोड़ा सा लो, बोर्डम या रेस्ट करना सजेस्टेड दिखता है, जो इट्स रिकमेंडेड। अब उसके बाद में मंथ के एंड में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूजन, या आपको लगेगा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लिखा है। कुछ बातों को लेके कंफ्यूज्ड आप रह सकते हो कि यार मुझे बात समझ नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसा रहेगा, तो ये ना मंथ के एंड में थोड़ी सी इस प्रकार की ओवरथिंकिंग रह सकती है। बट व्हाट्सो एवर, देखो हेल्थ भी अच्छी है, हेल्थ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखी आप लोग के लिए। हेल्थ वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड पीरियड, आपके लिए सुखद और अच्छा माना जाएगा। अब उसी के साथ साथ में जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा महीना है ये। प्रॉपर्टी, व्हीकल, वॉट एवर जो भी आप परचेज़ करना चाहते हो, इट्स अ गुड टाइम। शादी के योग भी हैं वृषभ राशि वालों के लिए, जो लोग शादी के लिए या रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन या कुछ अच्छा पोटेंशियल अपने लिए देख रहे थे, पर ये अच्छा समय दिखता है।
ये मंथ आप लोगों के लिए, क्योंकि तीन पॉजिटिव मेजर आर्काना कार्ड हैं, विच इज तीन डेस्टिनी कार्ड आप कह सकते हो है, तो ये एक अच्छा पोटेंशियल आपके लिए लेके आया है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ किनो की क्या गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है, सो वो भी हम जान लेते हैं। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपकी गुड हेल्थ का एक साइन है कि हेल्थ में सुधार है, हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड ऑल्सो अगर आपको अब तक लग रहा था कि आपके काम अटक अटक के हो रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, एंड यू नो ब्लैक मैजिक किसी ने किया है या किसी की नज़र लग जाती है, बहुत से वृषभ राशि वाले महसूस कर सकते हैं कि आपको जल्दी नज़र लग जाती है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, उन सभी कामों में आपके नो अब तक जो भी अड़चने थी जिस भी वजह से, वो क्लियर होती हुई दिखती हैं, हटती हुई दिखती हैं और आपके काम बनते हुए दिखते हैं। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके डेली रूटीन के इसमें अगर आपको दिखता है कि नो आपके इसमें आपको फेदर्स दिख जाते हैं, तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा आपके लिए। उसमें अच्छी सक्सेस, अच्छी आपको ये कह सकते हो कि एंजल ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, गाइडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही है, तो ये एक अच्छा साइन आपके लिए माना जाएगा। एंड हो सके तो अपने घर में ज़रूर आप किसी भी प्रकार की क्लेंजिंग रिचुअल करते रहें, धुआं हो गया, रॉक सॉल्ट से घर में पोछा लगाना हो गया, वो भी बड़ा ज़रूरी माना जाएगा। और जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता, या नो होता है ना कि ज़रा सा शुरू होती है, आपको पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके जो घर के खास है अपने हैं उन्हीं को बताइए, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर ये बहुत ज़रूरी है, इन इस मंथ में ध्यान रखिएगा। बाकी उसके अलावा कोई अगर आपका पेपर वर्क, पासपोर्ट, फॉरेन जाने वाली जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी स्टक अटका हुआ काम है, तो इस महीने उसके क्लियर होने के अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, अच्छे योग दिख रहे हैं, अच्छा माना जाएगा। सो टॉरस, ये ऑल ओवर एक एनर्जीज मुझे दिख रही है, अगर मैं इसको रिकैप के रूप में देख लूँ। सो जो सबसे बेस्ट कार्ड्स मुझे आपके लिए लगे हैं वो तो यही तीन हैं पूरी रीडिंग में। इनफैक्ट लव रिलेशनशिप के मामले में ये भी बड़ा अच्छा कार्ड है कि ना एक अच्छी एनर्जीज दिखा रहा है, तो आप जो भी अपने लिए सोच रहे हो, गोल सेटिंग कर रहे हो, उस सभी रूपों से अचीव करते हुए दिखते हो, हर तरीके से विक्ट्री की रीडिंग बनती है ये। ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है ना, ये वो एनर्जी दिखाते हैं कि भैया जो हमने सोचा, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, ज़रूर उसको अचीव आप करते हुए दिखते हो। सो दैट्स ग्रेट ग्रेट रीडिंग एंड ब्लेसिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग से आप कनेक्ट होते हैं वृषभ राशि वाला, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।